दिस न्यूज प्रोड्यूस्ड बाय सनराइज अपार्टमेंट। पशुओं को निर्दयता से ले जाने पर कड़े प्रतिबंध है, लेकिन इन नियमों का सरासर उल्लंघन किया जाता है। कादा पुलिस स्टेशन थानेदार सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक वानखेड़े एवं उनकी टीम ने अवैध तरीके से मवेशियों को ले जा रहे दो गाड़ियों को धर दबोचा। करीब 12 मवेशियों को जीवन दान दिया गया। कादा पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर कादा चेक पोस्ट के 500 मीटर पहले बोलेरो पिकअप क्रमांक MH36F3121 को रोका गया। गाड़ी से कुल 7 गायों को बरामद किया गया। इसके अलावा बोलेरो पिकअप क्रमांक MH150D6663 से 3 गाय एवं 2 बैलों को ठूस कर रखा गया था। जब उनसे पूछा गया कि मवेशियों को कहां लेकर जा रहे हो, गाड़ी चालक ने बताया कि वह मवेशी बाजार में बेचने के लिए लेकर जा रहा है। पुलिस ने कुल 12 मवेशियों को जब्त किया। आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद सूचना पत्र पर छोड़ा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक परशुराम कर रहे हैं। इन मवेशियों की साकुली तहसील के बरड किन्ही स्थित गोवर्धन गोवंश सेवा अनुसंधान केंद्र में रखा गया है। उक्त कार्रवाई SP वसंत जाधव के मार्गदर्शन में थानेदार दीपक वानखेड़े, पुलिस उपनिरीक्षक परशुराम कर, पुलिस नायक खड़से ने की। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले।